हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हां, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि प्रयोगशाला में एसीटोन को किस प्रकार बनाया जाता है, और साथ ही साथ वीडियो में देखने को आपको मिलेगा कि एसीटोन के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले मैं जो डायग्राम है पहले उसको समझाऊंगा, इसको समझाने के बाद इसी केमिकल रिएक्शन को समझाऊंगा। ठीक है, तो जब इसको आप एक बार ये आप समझ जाएंगे तो इसकी केमिकल रिएक्शन को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं डायग्राम को समझाता हूँ, फिर इसकी केमिकल रिएक्शन को समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बेटा, हम एक गोल पेन के फ्लास्क में, जिसे हम रिटार्ट भी कहते हैं स्टैंड, ठीक है, गोल पेन के फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। ठीक है, और उसको लगभग आधा भर के रख देते हैं। एक बार पढ़ते समझे, सबसे पहले हम गोल पेन के फ्लास्क से रिटार्ट में हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। अभी निर्जल कैल्शियम एसीटेट क्या होता है, क्या इसका फार्मूला होता है, ठीक है, अभी जब मैं रिएक्शन समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो हम इसमें रखने के बाद, ठीक है, अब हम इस बर्नर की सहायता से, इसको गर्म करते हैं। और याद रखें बेटा कि सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी इसके अंदर कि जो बर्नर की जो लो है, यहाँ से जो आग जल रही है वो डायरेक्टली इसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, यानी इसकी जो तली आप देख रहे हैं वो डायरेक्टली इसे कॉन्टैक्ट में, आग के कॉन्टैक्ट में नहीं है। उससे पहले आप क्या देख रहे हैं, तांबे की जाली देख रहे हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, जब आग जलेगी बर्नर की सहायता से, ठीक है, तो तांबे की जाली गर्म होगी। ठीक है, जाली गर्म होने के बाद उसकी हीट कहाँ जाएगी बेटा, इसकी तली पर जाएगी। और जब तली पर जाएगी बेटा तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट क्या हो जाएगा बेटा, गर्म होने लगेगा। और जब ये गर्म होता है तो बेटा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी जो भाप आती है, तो यानी निर्जल कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करते हैं तो भाप जो बनती है बेटा वो काय की भाप बनती है, वो एसीटोन की भाप बनती है। किसकी, यानी ये जो आप देख रहे हैं एसीटोन, यानी जब हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसकी वाष्प जो प्राप्त होती है हमें, वो काय की वाष्प होती है बेटा, वो एसीटोन की वाष्प होती है। यानी यहाँ से जब इसको गर्म करेंगे, जब वाष्प उठेगी तो वो वाष्प जो होगी बेटा वो काय की होगी, वो एसीटोन की वाष्प होगी। अब यही वाष्प आप देख रहे हैं इस टाइप से होते हुए इस नली के माध्यम से, क्योंकि एसीटोन की वाष्प ही ऊपर चलेगी। ठीक है, तो इस नली के माध्यम से, अब यहाँ देखिए एक संघनित्र लगाया है, क्या लगाया बेटा, संघनित्र लगाया। इसका क्या महत्व है, इसको क्यों लगाया गया, देखिए यहाँ से जो एसीटोन जा रहा है वो वाष्प के रूप में जा रहा है, यानी भाप के रूप में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ठंडा जल इसके अंदर प्रवाहित कराते रहते हैं। तो देखिए इस नली से क्या आ रही है बेटा, एसीटोन की वाष्प आ रही है, और यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ठंडा जल आ रहा है। तो जो आपकी जो एसीटोन की वाष्प होती है स्टैंड, एसीटोन की जो वाष्प होती है, इस ठंडे जल की वजह से क्या हो जाती है बेटा, वो द्रवित हो जाती है, अर्थात वो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कौन, एसीटोन की वाष्प। ठीक है, तो यहाँ से संघनित्र से होते हुए ये ग्राही में इकट्ठा होता रहती है, यानी कहने का मतलब ये है कि एसीटोन की जो वाष्प आएगी वो यहाँ तक तो वाष्प के रूप में रहेगी, जैसे ही संघनित्र से ये पास होगी तो वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, और वो लास्ट अंत में कहाँ, ग्राही में आकर एकत्रित हो जाएगी, अर्थात आपको एसीटोन का एसीटोन प्राप्त हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको बताता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कैल्शियम एसीटेट क्या होता है समझिए, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONa। ठीक है, लेकिन मुझे इसके बेटा दो मोलिकूल लेने, कितने लेने, सॉरी कैल्शियम एसीटेट है तो Ca आएगा, क्या आएगा बेटा Ca, इसका होल ट्वाइस होता है। तो ये जो फार्मूला है बेटा कैल्शियम एसीटेट का है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को बेटा ऐसे कराऊंगा तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो इसका होल ट्वाइस है। ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा रियल में, जो आपको रियल में फील हो सके कि वास्तविकता क्या है स्टैंड। ठीक है, कैसे बनेगा, चलिए हम इसको खोल रहा हूँ, इसको टू टाइम्स लिखूंगा, Ca एक है तो Ca को एक बार लिख रहे देंगे ना, यही कैल्शियम, निर्जल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है। चलिए देखिए हम इसको खोल के लिख रहा हूँ, देखिए मैं कहने का ये देखिए CH3COOCH3COO, और ये क्या बेटा आपका Ca था, तो ये Ca आ गया। ठीक है, तो यही क्या बेटा आपका कैल्शियम एसीटेट है, क्या ये कैल्शियम एसीटेट, और साथ याद रखें निर्जल कैल्शियम एसीटेट है ना, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया निर्जल कैल्शियम एसीटेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं।
जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए बेटा बात को समझे, बहुत मजे की बात यहाँ समझने आएगी, एक ही बार रिएक्शन हो जाएगी, यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हीट कर रहे हैं जैसे कि बर्नर की सहायता से आप देख रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए हम बनाना है CH3CO CH3, यानी CH3 एक बार ये आ रहा, दूसरी बार CH3 दूसरी बार भी आ रहा, फिर क्या चाहिए आपको, CO और चाहिए, CO भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए ध्यान समझें, देखो CH3 देखिए, मैं एक बार मेरी बात को समझें, ये इसको पूरा लीजिए, CO को भी इसके अंदर लीजिए, ठीक है, ये देखिए स्टैंड CH3 CO CH3, अभी आपको समझ में आ रहा होगा CH3 CO CH3। अभी ये क्या बना, देखो CA बचा C, ओके ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, ये बचा आपका CaCO3, क्या बचा CaCO3। देखिए मैं पहले मैं उसको लिख रहा हूँ जो मैंने पैक किया है, ठीक है, वो क्या है देखिए, ये आपका CaCO3, देखिए CA ये आ गया, C1 ये आ गया C, और क्या तुम्हारा ऑप्शन 3, 1 2 3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आपका बचा क्या उसको देखिए, बचा आपको देखिए CH3 है, लिख लीजिए CH3, ठीक है, ये फिर क्या बचा आपका CO बचा CO, ये हो गया, और क्या बचा आपका बेटा CH3 बचा, क्या बचा CH3, ठीक है। तो यही क्या बेटा एसीटोन है, CH3 CO CH3, यही क्या होता बेटा एसीटोन होता है, क्या बेटा ये एसीटोन। एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए नहीं आता समझ में, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को होल्टाइज के रूप में था, हमने उसको रूप में ऐसे लिख लिया ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। ऐसा करने पर हमने देखा जो CA, पहले हमने देखा कि एसीटोन कहाँ तक बन सकता है, एसीटोन का सूत्र था CH3 CO CH3, तो CH3 ये हैगा, CO ये हैगा, ठीक है, और CH3 ये हैगा, तो यानी ये जो भाई आपका एसीटोन है, वो जो बाकी CH भाग जो मैंने ब्रैकेट में पैक कर दिया है, तो वही क्या है बेटा आपका, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो ये आ गया CaCO3, और आपका बचा क्या CH3 एक ये बचा, तो ये हैगा ये वाला CH3 ये हैगा, अब क्या जब CO बचा तो CO ये हैगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा दिखा दिया स्टैंड। तो आई होप के रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, ठीक है स्टैंड। अच्छा तो देखिए ये तो इसकी प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण हो गया, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, यानी इसके पहले लिखेंगे हम भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं देखिए, भौतिक गुण में स्टैंड ये वाली बात है, नंबर एक गुण भौतिक गुण लिखें, इसका जो क्वथनांक होता है यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, जिसे हम BP के नाम से जानते हैं, वो कितना होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा इसका भौतिक गुण ये लिख सकते हैं, ज़्यादा भौतिक गुण तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर ही है, ठीक है। भौतिक गुण होते हैं आपका, तो पहला तो मैंने बता दिया क्वथनांक कितना होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। दूसरा है कि ये बेटा जल से हल्का होता है, जल से क्या होता है बेटा, जल से हल्का होता है, दूसरा भौतिक गुण ये हो गया। तीसरा आप बता सकते हैं स्टैंड, यह है एल्कोहल ईथर तथा जल में क्या होता है, विलय होता है, यानी ये ईथर में भी घुल जाएगा, ईथर कोम एल्कोहल एवं जल में क्या होता है बेटा, विलय होता है, ठीक है, विलय है, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो तीन रासायनिक भौतिक गुण मैंने आपको बताए, बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, जल से क्या होता है हल्का होता है, यह ईथर एल्कोहल एवं जल में क्या होता है बेटा, ये विलय होता है, अभी आपको समझ में आ गया। तो ये इसके तीन भौतिक गुण मैंने आपको बताए। अब देखिए बात करते हैं इसका रासायनिक गुण, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी एसीटोन कैसी रिएक्शन देता है, ठीक है। तो मैं केवल उन रिएक्शन को कराने जा रहा हूँ जो बेटा एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो नेम रिएक्शन के नाम से भी पूछी जाती है। तो चलिए अब मैं देखिए इसके भौतिक गुण को मैं रब कर रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, अब मैं इसका रासायनिक गुण आपको समझाने वाला हूँ। चलिए तो मैं रब कर रहा हूँ, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण, यानी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, एसीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहला गुण हम ले रहे हैं, हम रिएक्शन कराएंगे वाले इसी बेटा, इसकी क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो पहले लिखेंगे हम क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, क्लोरो
फॉर्म क्या होता है, सी एच सी एल थ्री, क्या होता है बेटा सी एच सी एल थ्री बनता क्या है इसमें, ठीक है, से अभिक्रिया, ऐसे लिख दीजिए शॉर्ट में ताकि आप नोट्स में अच्छा से लिख सकें, कराएंगे तो बनेगा आपका क्लोरीटोन, क्या बनेगा बेटा क्लोरीटोन बनेगा, और क्लोरीटोन एक औषधि के यानी निद्राकारी औषधि है, ठीक है, निद्राकारी औषधि है, यानी क्लोरीटोन जो बन जाएगा तो एक ऐसा यौगिक है जिसका यूज जो करते हैं हम निद्राकारी औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए रिएक्शन कराते हैं, पहले किस रिएक्शन किसी पढ़ रहे हैं हम, एसीटोन की, तो पहले एसीटोन को लिखना पड़ेगा, एसीटोन क्या होता है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, देखिए सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है, हाइड्रोजन के इधर भी कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, क्लोरोफॉर्म से सी एच सी एल थ्री, ये क्या बेटा आपका क्लोरोफॉर्म, और ये जो रिएक्शन होती है बेटा किसी क्षार की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में बेटा क्षार की, क्षार जैसे एन ए ओ एच ये उत्प्रेरक का कार्य करता है एन ए ओ एच, तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा क्लोरीटोन, क्लोरीटोन क्या होता है बेटा इसको समझिए, देखिए पहले जितना सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री इस एच को इस ओ के साथ लाइए तो ओ एच हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका सी सी एल थ्री बचेगा सी सी एल थ्री, कैसे कह रहा हूँ समझिए बात को, कार्बन ये क्या आपका बेटा सी एच थ्री, ये क्या है सी एच थ्री, ठीक है, यानी ये वाला सी एच थ्री दोनों आ गया, अब कार्बन तुम्हारा भी आ गया, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को लाइए तो ये हो जाएगा बेटा आपका ओ एच हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपका सी सी एल थ्री, सी सी एल थ्री आपका बेटा ये आ गया C और ये हो गया बेटा आपका Cl3, ठीक है, तो बेटा इसी बंदे का नाम है क्लोरीटोन, क्या ये आपका बेटा क्लोरीटोन, ठीक है, और इसका ये औषधि के रूप में यूज होता है, और औषधि किस रूप में आता है निद्राकारी औषधि के रूप में, है ना, आयो क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके दूसरे रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं हम, इसके अब दूसरे रिएक्शन पढ़ाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आई होप कि ये पहले रिएक्शन आपको समझ में आई होगी स्टैंड। अब दूसरी हम लेने जा रहे हैं इसकी किससे, एससीएन से अभिक्रिया, एससीएन तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं एचसीएन से अभिक्रिया बनेगा क्या, मैं आगे लिख देता हूँ जस्ट, बनेगा यहाँ पर एसीटोन साइनोहाइड्रिन, क्या बनेगा बेटा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा, बनाएंगे, चलिए एसीटोन लीजिए, एसीटोन क्या होता है सी और ये सी एच थ्री, सी एच थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या बेटा सी ओ एन एसीटोन है, अच्छा प्लस एच सी एन, एच सी एन से अभिक्रिया, ठीक है, याद रखें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, और जब ये रिएक्शन होगी स्टैंड तो आपका बनेगा, देखिए ये एच इस ओ के साथ आएगा तो ओ एच बनेगा, बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे मैं आपको बताया था, तो देखिए बनेगा आपका कार्बन ये सी एच थ्री सी एच थ्री, और ये जगह बेटा ओ एच, और क्या बचा यहाँ से, यहाँ तक क्या बचा बेटा सी एन बचा, क्या बचा ये सी एन बचा, सी और ये बेटा एन बचा, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं बेटा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है स्टैंड, तो ये इसकी रिएक्शन थी स्टैंड, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब इसका एक अंतिम रासायनिक गुण है वो आपको समझाने जा रहा हूँ, जो जिसका नाम है एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, ठीक है, तो अब स्टैंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं दोनों रासायनिक गुणों को साफ बना रहा हूँ, जो तीसरा इंपॉर्टेंट वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम इसको समझाने जा रहा हूँ, चलिए मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए रेडी, तो अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, तीसरा रासायनिक गुण है इसका, और ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हम करा रहे हैं किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है मैं लिख देता हूँ, चलिए हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है NH2OH, NH2OH, ठीक है, बनता क्या है बेटा आपका
एसीटोन ऑक्सिम बनता क्या है, एसीटोन ऑक्सिम मैं लिख देता हूँ, एसीटोन ऑक्सिम बनेगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी चलिए समझाता हूँ। तो इसको तो आप आई होप के नोट कर चुके होंगे। तो देखिए वही कंडीशन, पहले एसीटोन लीजिए, CH3 रिएक्शन हम कैसे करा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से यानी NH2 और ये क्या बेटा OH। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, कैसे रिएक्शन होगी, बहुत आसान रिएक्शन है बेटा। देखिए ये O और ये H2 यानी यहाँ से जल का एक अणु अलग निकल जाएगा ये, ठीक है स्टैंड, ये तो क्या बनेगा देखिए H2O तुम्हारा तो ये अलग हो जाएगा, ये बनेगा बेटा H2O, क्या बनेगा बेटा H2O बनेगा। अब क्या बचा, CH3 बचा C बचा और डबल बॉन्ड बचा और क्या बचा आपका N। देखिए मैं लिख देता हूँ CH3, ठीक है, कार्बन और डबल बॉन्ड बिल्कुल सेम है बेटा। अब क्या बचा NOH N और ये OH, ठीक है स्टैंड, आयो क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए इसी का नाम बेटा एसीटोन ऑक्सिम, इसका नाम क्या बेटा एसीटोन ऑक्सिम, याद रखें ये जल का अणु बेटा अपना अलग है, ठीक है, तो इसी का नाम बेटा एसीटोन ऑक्सिम, ठीक है स्टैंड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी तीन महत्वपूर्ण रिएक्शन थी जो जब जब ये एग्जाम में पूछा गया है, तो जो तीन मुख्य रिएक्शन है वो मैंने आपको समझाई, अर्थात के तीन रासायनिक गुण या तीन रासायनिक विक्रिया बेटा आपको समझाई, ठीक है स्टैंड। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बेटा कि एसीटोन के उपयोग क्या होते हैं, एसीटोन के उपयोग क्या हैं। तो बेटा सबसे पहले इसका जो उपयोग है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोग पहला जो उपयोग इसमें कहेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में, यानी प्रयोगशाला में विधि में जब क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो किसके माध्यम से बनाया जाता है, वो एसीटोन के माध्यम से बनाया जाता है, और साथ ही साथ एसीटोन के साथ ये एथिल अल्कोहल से भी बनाया जाता है क्लोरोफॉर्म। तो लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसीटोन की, तो हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला विधि में, ठीक है, यानी प्रयोगशाला के क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला निर्माण में, कहने का मतलब ये है। दूसरा आप लिखेंगे क्लोरीटोन के निर्माण में, जो भी बनाया था क्लोरीटोन के निर्माण में। तीसरा उपयोग लिख सकते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रेशन के निर्माण में, क्योंकि जो चीज़ इससे रिएक्शन करके बन रही है वो इसके यूज है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ इस चीज़ से बन रही है तो वो क्या, वो इसी के यूज ही तो है बेटा। अभी क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। दूसरा लिख सकते हैं आप एसीटोन ऑक्सिम के निर्माण में। तीसरा लिख सकते हैं आप एसीटोन साइनोहाइड्रेशन के निर्माण में। स्टैंड आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्टैंड अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है या आप किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका टॉपिक आपके स्क्रीन पर समझाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।